दहेज पर कड़े कानून के बावजूद दहेज लोभियों की लालच पर लगाम नहीं लग रही। दरअसल एक ऐसा ही मामला जालंधर से वजूद में आया, जहां सगाई में हीरे की अंगूठी नहीं मिलने पर लड़के वालों ने हंगामा कर दिया। दहेज के लोभी लड़के वालों ने सगाई तो तोड़ी ही, लड़की के बाल खींचकर पिटाई भी कर दी और मौके से फरार हो गए। लड़की वालों के मुताबिक सगाई तय होते वक्त लड़के वालों की तरफ से हीरे की अंगूठी की मांग नहीं की गई थी। सगाई के दौरान लड़के वालों ने अंगूठी बदलते वक्त दो हीरे की अंगूठियों और सोने के कड़े के साथ बालियों की मांग करनी शुरू कर दी, जिसे लेकर दोनों ही पक्षों में झड़प हो गई। मुंडे नूं कड़ा चाहिदा, बालियां चाहिदियां, गोल्ड चाहिदा, डायमंड दी रिंग चाहिदी आ। जे कुड़ी ने मिन्नतां कीतियां उन्हां ने, फिर उन्हें धक्का मारे कुड़ी नूं, सट के गए कुड़ी नूं धक्का मार के सटे। मुंडे दी मां ते भरजाई ने बाल पट्टे कुड़ी दे। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ? ਕੁਲਵੰਤ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਆਈ। ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੀ ਬਰਾਤ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਸੀ, ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਅੱਜ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਅਨਿਲ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਸੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਰ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਐਸ ਡੀ ਓ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने लड़की और उसके परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया है। इन्होंने मान लो जो प्रोग्राम आए हैं, मतलब दोनों पार्टियां आके कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ही इन्होंने। लड़की परिवार का कहना साढ़े को जो कंप्लेंट आई है उस हिसाब ना भी लड़के वाले बाद साइड पर ले गए हैं, तो उन्होंने मतलब आपस में सलाह करके विचोले को कहा भी मतलब सानू जी डायमंड की रिंग वगैरह चाहिए है, तो कड़ा चाहिए सोने, मतलब इस तरह दीज़ा की मांग की इन्होंने। सोने की चीज़ा सू डायमंड चाहिए, सोने की कली भी चाहिए, डायमंड चाहिए है। इस गल तो लड़की परिवार ने इतराज किया, तो इस गल तो इन्होंने बहस सहीया हो गया, तो आपस में गाली गलोच भी हो गया, लड़ाई झगड़ा भी होना पड़ा। वहीं अब सगाई समारोह के लिए लड़की वालों की तरफ से किए गए होटल में गिफ्ट और खाने जैसे सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। बताया जा रहा है कि लड़के की ये दूसरी शादी है, पहली वाली को वो छोड़ चुका है, जिससे उसके दो बच्चे भी हैं।